हमारे आर्टिस्ट हैं, ये रिक्रिएट कर रहे हैं कहीं यूट्यूब से देखा हुआ एक वीडियो। जो दस इज उनसर बाल दस इज पनीर उंड कोरियांडर उंड बिशिन कार्टोफल। किसी को समझ नहीं आता। जब हस्बैंड इंटरफेयर करते हैं, आलू आलू होते हैं करा रहे, लेकिन पराठा हमारे ज्यादा खराब। तवे पे कौन काम कर रहा था? मैं कि तुम? एक तो लाइन तुमने ढंग से काटी पराठे की। ओ, हमारे घर में ये हो गया है कि LOC जो बनी है सही नहीं बनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल एकदम गलत हो गई है। कभी सीरियसली मिस होता है, कोई ठेली वाला यहाँ से निकल के जाता है, नितिका को बोल देता ठेली वाला आया है जाके ले आ, काचा बादाम ले आ, या थोड़ा सा खीरा ले आ, टमाटर ले आ, हर चीज के लिए गाड़ी उठा के जाना पड़ता है। काचा बादाम? अरे रुको, चाबी मेरे पास है कि तुम्हारे? मेरे पास ही है। फंस गई है। फंस गई है लड़की, फंस गई है। तुमने लगाई है कि पास में गाड़ी? मैंने क्यों लगाऊंगा, मैं तो दूर से लगाई। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को है 7 डिग्री सेंटीग्रेड और मेरे को घर से एकदम निकलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि कल मैं घर से निकला नहीं था, तो कल नहाया भी नहीं था, और क्योंकि नहीं नहाया था तो जब नहीं नहाते हो तो ठंड के देश में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसीलिए मोटा वाला जैकेट पहन के आया हूँ। पर एक चीज मुझे पूछना है कि सब्जी कौन सी खरीदनी है? वहाँ चल के देखेंगे कौन सी सब्जी अवेलेबल है, वही खरीदेंगे। गिन के सब्जी आती है, एक टिंडा आता है, एक करेला आता है, यही खाने के लिए पछताती है। तुम नहीं? अच्छा चलो मैं अपने लिए बना लूँ। भिंडी भी नहीं मिलती वहाँ पे जाओ। कोई बंदा अपनी गाड़ी में एकदम अच्छे से सब्जी लेके जा रहा था, उसकी बीवी भी साथ में नहीं थी। कितने अच्छे होते हैं जो मान लेते हैं हस्बैंड से वाइफ की बात। मेरी बात मान लेते तो और इतने दूर आने नहीं पड़ता, सीधे रेलवे से जाके चिकन उठा के खाते दोनों मियां बीवी। चिकन भरता भरता भुरता नहीं, एक तो ये वेजिटेरियन डिश चुराते हैं। कहाँ दिखाओ क्या है? ले लो, बैंगन है, परवल है, ड्रमस्टिक्स है, मिर्ची है, भिंडी भी थोड़ी सी है, भिंडी है, भिंडी है, ये वाली नीचे वाली निकाल लेते हैं। मुरुंगा इज द नेम ऑफ वेजिटेबल और कटिंग हाउ टू ओकेशन है क्या अभी? मतलब कोई तो चक्कर होगा तभी ऐसे वाले। अच्छा वैलेंटाइन डे तभी। मुझे ये वाली चाबी वाली पसंद है, तुम मुझे ये दे सकते हो? नहीं मैंने तुम्हारा पूछा नहीं, मुझे कौन सी दे रही है? सामने कुछ तो हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। हेल्थ अथॉरिटीज ही है मेरे ख्याल से। सो दोपहर को शॉपिंग करने के बाद मैं जब घर वापस आया तो मैं सोच रहा था कि कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी करी जाए, तो फिर उस दौरान मैंने सोचा कि एक ऐसा एक्टिविटी लिया जाए जो बड़ा नॉर्मल सा है, मे बी ईजी टू डू, एंड दैट वॉज लोगो चेंजिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल। जब मैं वो करने गया तो मैंने देखा कि मार्केट में ये चीज़ करने के लिए लोग पैसे डिमांड करते हैं, एंड दे डू इट वेरी प्रोफेशनली, एंड उसको करने के लिए आप ऐसा नहीं कि ऐसे उठ के आ गए तो आप कर लिए बैठ के, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं अलग अलग तरीके के, एंड देन यू नो। तो मैंने वो करने गया तो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद दिस एक्टिविटी दैट आई स्टॉप टॉकिंग टू माई सेल्फ फॉर प्रॉब्ली अंटिल आई वॉज हियर इन दिस जिम। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, हाउ टू डू इट, एंड आई डिड नॉट नो हू टू स्पीक टू, बट आई केप्ट थिंकिंग माई सेल्फ। सो कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना जब आप अपने जोन में आ जाते हो, एंड देन यू काइंड ऑफ कीप क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, कीप क्वेश्चनिंग योर प्रोसेस, एंड दैट इज वॉट वॉज हैपनिंग विद मी आई। सो आई डिड नॉट टॉक टू एनी वन फॉर 1 hour, 2 hours, or 3 hours, जब तक मैं जिम से वापस नहीं आ गया। व्लॉग भी मैंने बहुत मिनिमम किया, बट दिस इज समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर, एंड प्रॉब्ली आई कुड नॉट व्लॉग दिस। बस मेरे स्टॉप तक आते आते पूरी खाली हो जाती है, विच इज गुड, ऐसा लगता है कि प्राइवेट चार्टर्ड बस है मेरी। ट्रेन में कैमरास तो होते नहीं थे जैसे तेजली अवेलेबल है, स्कूल में कहाँ कैमरा लगाओगे? हाँ। तो स्कूल वाले ना पीटी टीचर हायर करते होते थे जिनका जिनका फोकस होता था कि कोई लड़का लड़की साथ में दिखे तो उनको पकड़ के ढूंढ दो, उनको बस पकड़ के लेके जाना है आपको। डिपेंड करता है ना आपका स्कूल कहाँ पे हो, और जैसे हम लोग का स्कूल था वो स्कूल ऐसी जगह पे था जहाँ पे हर दूसरे के बच्चे एक दूसरे के पेरेंट्स को जानते हैं, तो वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब कि ऐसा कुछ करना भी नहीं था। कुछ कर भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
यहाँ पे अगर स्कूल में अपने बच्चों को भेजोगे तो दो बार सोचोगे वो किससे मिल रहा है किससे नहीं मिला। हाँ अब जानोगे बट आप उसको रोकोगे नहीं क्योंकि यू नो दैट दिस इज आउट ऑफ योर बाउंड्स, यू कांट डू मच ओवर देयर, यू कैन जस्ट से, है ना। कुड़कुड़ तो कर ही सकते हो, बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली हम जैसे लोगों के लिए ना ये यहाँ पे ये चीज हमने जो दुनिया देखी है और यहाँ पे जो दुनिया है उस चीज को मैच करना इज वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। ये हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है, ठीक है। कहने को तो हम बहुत मॉडर्न है लेकिन जैसा हम पले बड़े होंगे जिस सोच विचार के साथ तो वो दिखेगी कितनी। बहुत लंबी एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी में क्या होता है कि दुनिया भर से ना लोग होते हैं ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है फाइनली कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमें गर्म खाना चाहिए या ठंडा खाना चाहिए, तो किससे है? तो एक जो साइंटिस्ट होता है उनमें से पंजाब से होता है, ठीक है। बोलता है कि साले ये तो ठंडा खाना कहीं वो ना कर दे, मुझे अपना स्टांस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ठंडा खाने का रूल ना पास कर दे, हाँ तो गर्म खाने का। तो फिर गर्म खाने से क्या होता है कि उन्होंने बोला कि गुलाब जामुन जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, तो बहुत देर से बात चल रही थी कि गुलाब जामुन कैसे बनाया जाए, जैसे हम ठंडा खाना चाहिए या उसको गर्म खाना चाहिए। तो ये रसगुल्ला, हाँ तो ठीक है, बंगाल के तो उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि गुलाब जामुन गर्म खाना चाहिए। तब से शादियों में गर्म गुलाब जामुन मिलता है, ऊपर से ठंडी कुछ रबड़ी वबड़ी मिल जाती है उसके ऊपर, राइट। अब लोगों ने ना उस चीज को ना ज्यादा दिल से लगा लिया है, जैसे तुमने हर चीजों को दिल से लगा लेते हो ना कि खाना हमेशा गर्म खाना चाहिए। अब लोगों ने कहा कि गुलाब जामुन के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए कि गुलाब जामुन गर्म तो चाहिए लेगा, उसके पकौड़े भी बना के खाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले बोला था नितिका को सैलड बनाने के लिए कि स्प्राउट, तो स्प्राउट क्या है कि नॉर्मली टेम्परेचर पर खाते हैं, इसने माइक्रोवेव में डाल के हमें सर्व कर दिया। आज हमारे घर में अंडा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके घर में अंडा हो या आप अंडा नहीं खाते हो तो अंडा नहीं होगा, वेरी श्योर। बट मैं अंडा खाता हूं तो मेरे को लगता है कि फ्रिज में हमेशा 24 घंटे अंडा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे इतने सारे मीटिंग में लोग खड़े हुए हैं, ये अकेले खाई आ रही, खाई आ रही, खाई आ रही। जिनके 45 मिनट का ब्रेक मिला है सेशन के, क्योंकि अब 45 मिनट बाद दोबारा क्लास चालू होगी, बट इनको नहीं पता कि ये जर्मन हिसाब से टाइमिंग देता है। अब जर्मन्स को खाना बनाने में 5 मिनट, खाना खाने में 5 मिनट, और अगले 15 मिनट में ये आराम से मतलब कि मस्ती सुस्ती में रहते हैं, फिर थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, कॉफी पीएंगे, हाँ कॉफी भी पी लेते हैं। मेरे बहुत दिन से मन हो रहा था पनीर टिक्का का और स्वीट पोटैटो, और इनके पास है चिकन और पनीर दोनों। कैसा टेस्ट आ रहा है चिकन का? जैसे कल था वैसे ही आ रहा है, ज्यादा इम्प्रूव नहीं है मेरी तो। मुझे तो लगता है एक दिन बाद ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मतलब ये ऐसा वीकेंड मैंने बहुत ही सालों बाद बताया जिसमें मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। आज का दुख यही था कि भाई आराम ही नहीं मिला, बिल्कुल पॉज ही नहीं मिला बीच में, क्योंकि हम जैसे ही आए उसके बाद हम ओमा के चले गए खेलने, और अब बस खाना खाएंगे और खत्म।